फ्रेंड्स, मंजूस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मसाला भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो शुरू करते हैं मसाला भिंडी की रेसिपी। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है, जिसको चीरा लगा के बीच में से दो भाग कर दिए हैं। उसके बाद मैंने एक प्याज लिया है, जिसको बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैंने 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं, जिसको बारीक चॉप कर ली है। उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसमें है आधा टेबल स्पून जीरा, आधा टेबल स्पून राई, हींग, ऑयल, सरसों का तेल। इसमें मसाला है तो मैंने सारा मसाला इसमें मिक्स कर लिया है। तो इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट है। तो इसमें मैंने पानी से मिक्स कर दिया है, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैं सारी सब्जियों में इसी तरीके से यूज़ करती हूँ पानी मिला के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। और ये लेमन, इसको लास्ट में सब्ज़ी बन जाएगी उसके बाद 1/2 लेमन यूज़ आएगा स्क्वीज करके, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है लेमन से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमने पैन को गर्म कर लिया है, इसमें सरसों का ऑयल यूज़ करूँगी। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज़ आएगा क्योंकि हमें पहले भिंडी को फ्राई करनी है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो तेल बचेगा उसी से ही हमें भिंडी में छौंका लगाना है। तो ये ऑयल लिया है, अब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें भिंडी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। भिंडी को हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करना है इसको, जब तक कि पक के थोड़ी कम ना हो जाए। गाइस, थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें भिंडी थोड़ा तेल, भिंडी की वजह से थोड़ा सा तेल इसमें निकलता है बाहर। इसको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे भिंडी को, तब तक ये पक नहीं जाती, थोड़ी सी फ्राई नहीं जाती तब तक। देखिए फ्रेंड, भिंडी थोड़ी थोड़ी फ्राई होने लगी है, इसको हम चलाते रहेंगे कंटिन्यू ताकि भिंडी जल ना जाए। हाई मीडियम फ्लेम पे हमें भिंडी को फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में हमें कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भिंडी थोड़ी थोड़ी फ्राई होने लग गई है। देखो, पहले एकदम खुली खुली भिंडी थी, अब फ्राई होने के बाद ही कैसे मुरझा गई है। अब इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है। इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि वो जल नहीं जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। देखो, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है भिंडी। तो चलिए अब इसको निकालते हैं हम। Thank you.
अब इसी ऑयल में हम सब्जी में सब्जी को बनाएंगे, कोई और ऑयल नहीं लेंगे, इसी से ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ जीरा एंड राई, ऑयल ऑलरेडी गर्म है तो गाइस जीरा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल दिया है, फिर डाल देंगे लहसुन, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसमें 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी हींग, इसको चलाते जाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। फ्रेंड्स प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे मसाला, जो मैंने मसाला रेडी करके रखा था ना वो इसमें डालेंगे। अब देखो मसाला डाल दिया है, मसाले को हम तब तक भूनेंगे तब तक मसाला ऑयल ना छोड़े। लो फ्लेम पे हम मसाले को भूनेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छे से आए भिंडी में। जो कटोरी में थोड़ा सा मसाला लगा होगा उसमें मैंने पानी डाल के थोड़ा सा इसमें डाल दिया है ताकि मसाला जले ना। फ्रेंड्स हमने जो मसाले की प्यूरी बनाई थी, टमाटर की प्यूरी बनाई थी, वो अब हम इसमें डालते हैं। फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट तक हमें ये मसाला भूनना है पूरा, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको मीडियम लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स मसाला हमारा भून चुका है, देखिए अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पहले फ्राई की थी वो वाली भिंडी। इसको थोड़ा सा चला देंगे ताकि सारा मसाला भिंडी अब्सॉर्ब कर ले।
इसके बाद हम इसको ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, फिर हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हम सब्जी को चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाला भिंडी की रेसिपी बनके रेडी हो गई है। देखो, इसे आप रोटियों के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, ये थी मसाला भिंडी की रेसिपी एकदम इजी वे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सब्जी बनके रेडी हो गई है। इसमें थोड़ा सा लेमन डाल दूंगी मैं। लेमन जूस डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।